गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर ईबीएस टीचर। टुडे आई एम टीच यू ईबीएस अगेन। इन लास्ट वीडियोज वी डिस्कस्ड आवर फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर ऑफ ईबीएस फ्रॉम योर कोर्स बुक। दिस इज योर कोर्स बुक क्लास वन एंड वॉल्यूम वन। सो फ्रॉम योर बुक वी डिस्कस्ड ऑलरेडी ऑन द फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर ऑफ ईवीएस। फर्स्ट चैप्टर इज माई सेल्फ एंड सेकेंड चैप्टर इज माई फैमिली। टूडे वी स्टार्ट अवर थर्ड चैप्टर ऑफ ईवीएस, दैट इज शेयरिंग एंड केयरिंग एट पेज नंबर 66। सो दिस इज योर थर्ड चैप्टर, शेयरिंग एंड केयरिंग एट पेज नंबर 66। ओके, सो वॉट डू यू मीन बाय शेयरिंग? शेयरिंग मीन्स आप जैसे क्लास में हैं, दो फ्रेंड्स हैं, किसी को जैसे मान लीजिए कोई एक फ्रेंड पेंसिल लेके नहीं आया है और उसको पेंसिल की ज़रूरत है, तो आपके पास अगर डबल पेंसिल है तो एक पेंसिल आप उसको शेयर करके दे देंगे, उसकी हेल्प करने के लिए दे देंगे। तो ये क्या हुआ, अपनी चीज़ों को शेयर करना। केयरिंग मीन्स जैसे हम घर पर रहते हैं तो पेरेंट्स हमें फूड प्रोवाइड करते हैं, क्लॉथ दिलाते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं, सभी चीज़ों को लेकर हमारी वो केयर करते हैं, हमारा प्रोटेक्शन करते हैं। वो सभी किस में आता है? केयरिंग में आता है, है ना? तो शेयरिंग एंड केयरिंग। सो इन अ फैमिली, एक फैमिली में वी लिव टुगेदर, हम सब साथ रहते हैं। फादर इज द हेड ऑफ द फैमिली, फादर फैमिली के हेड होते हैं, है ना? मदर कुक्स फूड फॉर द फैमिली, और मदर क्या करती हैं, फैमिली के लिए फूड बनाती हैं, फूड पकाती हैं। एंड फादर हेल्प हर इन द हाउस होल्ड वर्क, और फादर उनकी हेल्प करते हैं, जो भी हाउस होल्ड वर्क रहते हैं, कुछ मार्केट से कुछ लाना है, घर में कुछ अवेलेबल करानी है, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं, वो सब मैनेज करने में कौन हेल्प करते हैं? फादर हेल्प करते हैं। ओके, दे गो आउट टू वर्क एंड अर्न मनी, और वो कहाँ जाते हैं, अगर मदर और फादर कभी किसी फैमिली में फादर अकेले वर्क के लिए जाते हैं, किसी फैमिली में मदर फादर दोनों जाते हैं, है ना? दे गो आउट फॉर वर्क, वो किसके लिए जाते हैं, वर्क करने के लिए जाते हैं, एंड अर्न मनी, और मनी को अर्न करते हैं, मनी कमा के आते हैं, है ना? अवर पेरेंट्स लव अस, हमारे पेरेंट्स हमको लव करते हैं, एंड केयर फॉर अस, और हमारे लिए केयर भी करते हैं, हमारे पास सभी चीज़ें हैं क्या, हम ठीक हैं क्या, हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, है ना? ये सभी चीज़ों का कौन करते हैं, केयर करते हैं पेरेंट्स। दे आर विथ अस वेन एवर वी नीड देम, और वो हमेशा हमारे साथ होते हैं जब भी हमें उनकी नीड होती है। ओके, देन आवर पेरेंट्स फुलफिल आवर बेसिक नीड सच एज, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो पूरी करते हैं हमारी जो बेसिक नीड होती है ना, ज़रूरतें जो होती हैं उनको फुलफिल करते हैं। कौन कौन सी होती हैं वो बेसिक नीड्स? हमको रहने के लिए घर चाहिए होता है, तो अ हाउस टू लिव इन, हमें एक हाउस की ज़रूरत होती है, तो वो हमें पेरेंट्स प्रोवाइड कराते हैं, है ना? अ हाउस, एक हाउस की ज़रूरत होती है। फूड टू ईट, खाने के लिए फूड की ज़रूरत होती है, तो फूड प्रोवाइड कराते हैं हमको। सेंड अस टू स्कूल लर्न, और हमको कहाँ भेजते हैं, स्कूल, किसके लिए, लर्निंग के लिए, को सीखने के लिए। क्लॉथ्स टू बियर, और पहनने के लिए क्या, क्लॉथ प्रोवाइड कराते हैं, क्लॉथ टू बियर, पहनने के लिए। ओके, टॉयज टू प्ले, और प्लेइंग के लिए क्या प्रोवाइड करवाते हैं, हमारी नीड है वो फुलफिल करते हैं, क्या है वो, टॉयज। हेल्प अस विथ होमवर्क, और हमें किस में हेल्प करते हैं, आपकी मॉम कराती होंगी या फादर को टाइम मिलता होगा तो फादर कराते होंगे, आपको होमवर्क कराते हैं ना, तो उसमें हेल्प करते हैं हमारी। टेक अस टू डॉक्टर वैन वी आर सिक, और जब हम सिक हो जाते हैं, हमारी तबीयत खराब हो जाती है, तो हमको कहाँ ले जाते हैं, डॉक्टर के पास में, कहाँ, हॉस्पिटल। ओके, ग्रैंड पेरेंट टेक केयर ऑफ अस व्हेन पेरेंट्स गो टू वर्क, और जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं ना, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, दोनों के लिए कॉमन वर्ड यूज किया जाता है ग्रैंड पेरेंट्स, वो हमारी केयर करते हैं, व्हेन हमारी केयर करते हैं, कब, जब पेरेंट्स वर्क के लिए जाते हैं तो घर पर वो हमारी केयर करते हैं। वी लव टू लिसन टू स्टोरीज, और हमको जब वो स्टोरी सुनाते हैं तो वो सुनना हमको बहुत पसंद आता है, फ्रॉम अवर ग्रैंड पेरेंट्स, आपको ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर स्टोरी सुनाते होंगे ना, तो हमें वो बहुत अच्छी लगती हैं,
वी शुड हेल्प आवर एल्डर्स वेन एवर वी कैन, और हम अपने बड़े जो हैं हमसे, एल्डर मीन्स हमारे जो बड़े हैं, बड़े भैया हैं, सिस्टर हैं, बिग ब्रदर सिस्टर, अंकल आंटी, मदर फादर, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, जो भी हमसे बड़े हैं, उनकी हम जब होता है तो हम उनकी क्या करते हैं, जरूरत पड़ती है तब हेल्प करते हैं. सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प. सो हियर अ कोटेशन ऑल्सो दे राइट, उन्होंने यहाँ पर एक कोटेशन भी दिया हुआ है. सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प, मीन्स खुद की हेल्प करना सबसे बड़ी मदद कर हेल्प करना होता है. कैसे, आपको फिट रहने के लिए क्या करना होगा, फूड खाना होगा टाइम टू टाइम, तो आप खुद की हेल्प करें फूड टाइम टू टाइम लेकर, है ना. और आपको प्लेइंग भी करना है तो आप खुद की हेल्प करें, आप प्लेइंग भी करें, आप स्टडी भी करें, स्टडी करके आप खुद की हेल्प करेंगे, आपको नॉलेज मिलेगी, आप बहुत सारा लर्न करेंगे. आप पेरेंट्स की बात माने तो पेरेंट्स हमारी सभी नीड्स को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं. तो जितनी भी हैं, और हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको करना चाहिए. तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, हम सेल्फ की हेल्प कर सकते हैं. तो जब हम खुद की हेल्प करेंगे तो वो सबसे बेस्ट हेल्प होती है. ओके, गुड लक.